अरु के बेहद क्यूट वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं। पवन अरु ने एक बार फिर फैंस का दिल तब खुश कर दिया जब ये लंदन में भारत का झंडा ऊंचा करते दिखाई दिए। जी हाँ, लंदन में भी अरुणिता साड़ी पहनकर घूम रही हैं और इंडिया की वाहवाही कर रही हैं। जी हाँ, लंदन से अरुणिता के साड़ी वाले कई सारे फोटो सामने आए हैं। खास बात, पवन भी अरुणिता के कपड़ों से मिलते जुलते कपड़े पहनकर मोहब्बत करने वालों की धड़कनें बढ़ाते नजर आए। जहां अरु ने ब्लैक साड़ी पहनी तो वहीं पवन भी व्हाइट कलर के कैजुअल कपड़ों में नजर आए। पवन ने भी व्हाइट पैंट शर्ट और कोट पहना हुआ था। पवन अरु के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। ये किसी मीटिंग के सिलसिले में बाहर गए और वहां इन्होंने खूब मौज मस्ती की। कई वीडियोस में पवन अरु एक दूसरे को हाय बाय कह रहे हैं। वीडियो में देख सकते हैं पवन सबको हाय कह रहे हैं और फिर कैमरा एक एक करके सबके पास ले जाया जाता है, जहां अरुणिता अपने क्यूट एक्सप्रेशन देने लगती है। इतना ही नहीं, एक वीडियो में पवन अरु को एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर चलते दिखाई दिए। अब तो मान ही लीजिए कि ये दोस्त नहीं है बल्कि ये रिलेशनशिप में। जी हाँ, दोनों जिस तरह से हाथों में हाथ डालते चलते दिखाई दिए उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये भाई अब रिलेशनशिप में हैं। इनकी इस वीडियो को पीछे की साइड से रिकॉर्ड किया गया है, जहाँ दोनों एक दूसरे में खोए हुए हैं, एक दूसरे में मगन है और एक दूसरे के लिए इनका प्यार केयर वाकई बहुत खास है। कि क्या ये सच में प्यार में है या फिर ये सब ड्रामा है और अपने करियर के लिए ये दोनों एक साथ रह रहे हैं। लंदन से पवन अरु के बहुत बड़े इवेंट का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर फैंस को ही झटका लग गया। तो सोचिए पवन अरु का क्या हाल हुआ होगा। दरअसल साइली कामले ने अपने इस इवेंट की पूरी वीडियो बनाई और फैंस के साथ शेयर की है। साइली ने इस बड़े से हॉल में एंट्री लेते वक्त पूरा व्यू दिखाया। जैसे ही साइली अंदर घुसती है उनके होश उड़ जाते हैं। जी हाँ, साइली या पवन अरु किसी ने नहीं सोचा था कि इतने बड़े हॉल में उन्हें अपनी परफॉर्मेंस देनी होगी और उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि वो जहाँ परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं वो वाकई इतना बड़ा हॉल होगा। हॉल में इतनी जगह थी कि लाखों लोग आ सकते थे। उनके बैठने का इंतजाम किया गया था। हॉल के अंदर का नजारा देखकर अरु के भी होश उड़ जाते हैं। साइली तो बोलती दिखी कि उन्होंने जिंदगी में इतना बड़ा हॉल नहीं देखा। इतना बड़ा हॉल मतलब लाखों लोगों के सामने साइली पवन अरु दानिश की परफॉर्मेंस। अरु भी कहती हैं कि उनकी तो हवा अभी से टाइट होने लगी है। उनके अलावा अरु ने जब पूरा हॉल देख लिया तो वो शाम को जब इस मंच पर प्रोग्राम के लिए आ रही थी तब भी वो मेकअप रूम में क्यूट हरकतें करते दिखी। कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अरु जब घबराती हैं तो वो खुद में अपना एंटरटेनमेंट करने लगती हैं। साइली अरु के गालों को खींचती दिखी। वही रात का नजारा भी दिखाया जाता है जब पूरा ग्राउंड ऑडियंस से खचा खच भरा होता है और पवन अरु साइली दानिश की एंट्री होती है। साइली ने ब्लू कलर की गाउन पहनी हुई थी और ग्राउंड में आते वक्त साइली की ड्रेस उनके पैरों में फंसने लगी थी, जिसकी वजह से साइली पहले तो नर्वस होने लगी थी और जब उन्होंने अंदर की ऑडियंस की चीख पुकार सुनी तब तो वो और भी ज्यादा नर्वस हो गई। हालांकि बाद में इन चारों ने पूरा मंच संभाल लिया और पूरे मंच पर अपनी आवाज से आग लगा दी। लाखों लोगों के सामने ये चारों मंच पर पागलों की तरह गाना गाते दिखे। लंदन की जनता इनकी दीवानी हो गई और इन्होंने लंदन की जनता का दिल जीत लिया। और फिर इनके अंदर वाकई कमाल का हुनर है ही, तभी तो इतनी ढेर सारी जनता इनका प्रोग्राम देखने पहुंची थी। सोशल मीडिया पर इनके इस प्रोग्राम के कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पवन अरु लंदन छोड़कर चल दिए। इवेंट की प्लानिंग के मुताबिक ये 7 नवंबर तक लंदन में ही रुकने वाले थे, लेकिन जब अरुणिता साइली को कार में बैठकर बाय बोलते देखा गया तो सब शॉक रह गए। जी हाँ, हाल ही में अरु और साइली की फोटो सामने आई थी जिसमें दोनों कार में बैठी नजर आई थी और बाय कह रही थी। उस फोटो से फैंस को शंका होने लगी थी कि ये क्या लंदन छोड़कर वापस इंडिया आ रहे हैं। फैंस की बेचैनी बढ़ती गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये लंदन छोड़कर इतना जल्दी आ रहे हैं। तो पवन अरु को पूरा वीडियो शेयर करना पड़ा। जी हाँ, उस फोटो का पूरा वीडियो अब सामने आया है जिसमें अरु और साइली लंदन की सड़कों पर कार में घूमती दिखी। इस वीडियो से पता चला कि साइली अरु लंदन से अभी वापस नहीं आ रहे बल्कि वो पवन और दानिश के बिना लंदन की सड़कों पर घूमते दिखे। जी हाँ, साइली और अरु ने काम से फुर्सत पाकर काफी देर तक लंदन में एंजॉय किया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि साइली और अरु कार में फुल आवाज में गाना बजाकर दिन को एंजॉय करती दिखी।
घूमने जाने से पहले अरुणिता ने अपनी हॉट फोटो भी शेयर की थी, जिसमें वो ऑरेंज कलर के टॉप में नजर आई थी। उनके हेयर स्टाइल ने उनके लुक को और भी खास बना दिया था। इस फोटो के साथ अरुण ने लिखा था रेडी, मतलब वो घूमने जाने के लिए तैयार थी। वहीं आपको बता दें, पवन अरु अपने नए प्रोग्राम के लिए निकल चुके हैं, जिसकी वीडियो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। दोनों का जल्द ही नया वीडियो सामने आने वाला है। लंदन में पवन अरु अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस देने के लिए स्टेज पर चढ़े तो इन्होंने स्टेज ही हिलाकर रख दिया। लाखों नहीं करोड़ों की भीड़ इनकी परफॉर्मेंस देखने पहुंची थी। इतनी भीड़ देखकर ही पवन अरु का हौसला दुगना हो गया। ऑडियंस की डिमांड पर पवन अरु ने एक के बाद एक कई ढेर सारे गाने सुनाए और हर तरफ पवन अरु के जयकारे लगे। लेकिन जब लोगों ने अरु की ड्रेस को नोटिस किया तो अरुणिता को भी अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हुई और लोगों को निराश होना पड़ा। हालांकि पवन ने अपने गानों से लोगों का ध्यान खींच लिया, दिल जीत लिया और ऑडियंस का दिल और दिमाग कहीं और भटकने ही नहीं दिया कि लोगों का ध्यान इधर उधर जाए और वो बातें बनाए। इसमें कोई शक नहीं कि अरुणिता मरून कलर की ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आई। उनके हेयर स्टाइल ने उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। पहले तो लोगों की नजरें उन पर से हट ही नहीं रही थी, लेकिन अचानक लोगों ने नोटिस किया कि ये वही ड्रेस है जो अरुणिता ने इंडियन आइडल के प्रोग्राम के दौरान पहनी थी। अब अरुणिता को इस ड्रेस को रिपीट करना उन पर भारी पड़ गया। वो इसलिए कि पवन अरु लंदन में रोज रोज जाने वाले भी नहीं है और पता हो कि इतनी ढेर सारी भीड़ आने वाली है और इन्हें उनका सामना करना है, तब तो अरुणिता को ये ड्रेस रिपीट नहीं करनी चाहिए थी। अब ये तो आप जानते हैं कि टीवी पर आने वाला हर शख्स अपने आप को बड़ा सेलिब्रिटी समझता है और फिर पवन अरु तो वाकई में चमचमाती इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुके हैं, तो लोग भी इन्हें बदलते लुक में देखना चाहते हैं, नए नए लुक में देखना चाहते हैं, क्योंकि लोग भी इन्हीं लोगों से फैशन सीखते हैं। ऐसे में अगर ये स्टार भी ऐसा करेंगे तो ऑडियंस तो कुछ ना कुछ कहेगी। और सुनने में तो ये भी आता है कि इन स्टार्स को इवेंट की तरफ से कॉस्ट्यूम प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि ये सुविधा मिली कि नहीं मिली वो तो पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अरुणिता को ये ड्रेस ना पहनकर दूसरी ड्रेस लेनी चाहिए थी। कुछ फैंस का कहना है कि लोगों की नजरें उस वक्त सिर्फ अरुणिता और पवन पर थी, ऐसे में गाने से ज्यादा उनके कपड़ों को भी नोटिस किया गया। अरुणिता के इस ड्रेस ने सभी को निराश कर दिया। वेल, आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे? क्या अरुणिता पैसों की कमी की वजह से अपनी ड्रेस पर ध्यान नहीं दे पाई या फिर कोई और ही बात रही होगी?